देखते रहिए UBN0@ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। आज दिनांक 19 अप्रैल 2019 को राजगढ़ रोड इंदिरा नगर के पास तिलकपुरा में हनुमान जयंती के उपलक्ष में विशाल भंडारा आयोजित किया गया। देखते रहिए UBN0@ ताज़ा खबरों के लिए। देखते रहिए UBN0@ राधोगढ़ से दीपक बीलरमान की रिपोर्ट। आचार्य पीठ अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास जी का 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। स्वामी परमहंस दास जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने 100% मतदान करने का लिया संकल्प। इस बार मतदान राष्ट्रवाद पर होगा, जातिवाद और परिवाद पर नहीं होगा। भारतीय संस्कृति के मर्यादा के अनुसार जो भी नेता काम करेगा जनता अब उसी को चुनेगी। तत्पश्चात स्वामी परमहंस जी अयोध्या के लिए रवाना हुए। देखते रहिए UBN0@ ताज़ा खबरों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, एक वोट निर्णायक होता है। एक वोट न पड़ने से कभी कभी ऐसा होता है गलत हाथों में सत्ता चली जाती है, जिससे पूरे राष्ट्र को जो है उसका नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए देश हित में सब लोगों को मतदान करना चाहिए। एक अच्छे जो है देशभक्त को कुर्सी पर बैठाना चाहिए, जिससे समाज का विकास हो सके, देश की उन्नति हो सके, जो सबका सम्मान कर सके, राष्ट्र को जो है, जो भारत की मर्यादा है, भारत की राष्ट्रीय मर्यादा है, जो हमारा देश सदैव से विश्वगुरु रहा है, सोने की चिड़िया कहा जाता है भारत, तो उसके अनुरूप जो है जो शासन चला सके, ऐसे एक कुशल व्यक्ति के हाथ में सत्ता देने की आवश्यकता है। इसके लिए लोकतंत्र का महापर्व मतदान है। सब लोगों को 100% मतदान करना चाहिए। और जिसको हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, मैं एक धर्माचार्य हूँ, हमारे लिए सभी पार्टियां बराबर हैं और जो देश हित में काम करे वही अच्छा है। इसलिए 3 दिन का हमने कार्यक्रम रखा और यहाँ सभी क्षेत्र के जो भी ग्रामीण थे सब लोगों ने संकल्प लिया 100% मतदान करने का। जहाँ लोग मतदान करने ही आधा से ज़्यादा नहीं जाते थे, वो सब लोग मतदान करने के लिए जो है संकल्प लिए और बड़े बूढ़े भी, नए लोग भी, और सब लोगों ने ये हमसे जो है तो मुझे आश्वासन दिया है कि इस बार सब लोग मतदान करेंगे और निश्चित रूप से इस बार का जो मतदान होगा वो ऐतिहासिक होगा और 100% मतदान की उम्मीद करता हूँ। और जनता ने जो है अब एक अच्छे नायक चुनने के लिए जो है ठान लिया है और होना भी चाहिए। जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठने की आवश्यकता है। देखिए, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा है। जब देश हमारा है और देश के अंदर हम सब हैं, इसलिए राष्ट्रवाद की राजनीति होनी चाहिए, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।